एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी फ्लावर ज्वेलरी में क्या क्या मटेरियल यूज होता है। टूल्स, सीजर, हमें चाहिए फेविकोल, फेविक्विक। फ्लावर ज्वेलरी बनाने के लिए हमें बुकरम चाहिए। यहाँ गोल्डन येलो हमने फैब्रिक कलर का यूज़ किया है बुकरम पर, और हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बुकरम का नेकलेस बनाने के लिए फ्लावर ज्वेलरी के लिए। और सेकंड है ये पोलन, ये मल्टी कलर में पोलन है, और आपको मैं एक निकाल के दिखा देती हूँ। ये पोलन है, इसमें डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन इसमें मिक्स है, और ये प्रॉपर रेड कलर के पोलन है। और मार्केट में हर तरह के पोलन मिलते हैं, एक लीफ के साथ भी होते हैं, बट ये विदाउट लीफ पोलन है। देखिए एवरी कलर है इसमें। और नेक्स्ट है ये आई पिन, ये जो ज्वेलरी में यूज़ होता है आई पिन। और ये लॉरल चेन है, और आपको पता है लॉरल चेन और ये फ्लावर ज्वेलरी में, इससे हम ब्रेसलेट बनाते हैं और नेकलेस बनाते हैं, रिंग बनाते हैं। इसके बाद ये डोरी है, और आपको पता है नेकलेस बनाते हैं तो बैक के लिए डोरी चाहिए होती है, ये डोरी यूज़ करते हैं हम। इसके बाद ये हेड पिन है, जो हम बीड्स डालने के लिए यूज़ करते हैं हेड पिन। ये कील की तरह होते हैं, बैक से ये ऐसे होते हैं कील जैसे, इनको हेड पिन बोलते हैं। और आप ज्वेलरी में किसी भी तरह के बीड्स यूज़ कर सकते हैं, पर्ल या ग्लास बीड्स, या आप पे डिपेंड करता है। हैंगिंग में आप घुंघरू यूज़ कर सकते हैं। और फ्लावर रिंग बनाने के लिए हम यहाँ पे रिंग बेस का यूज़ करते हैं, ये रिंग बेस है। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी फ्लावर ज्वेलरी का, उसमें रिंग का लिंक भी है, ब्रेसलेट का भी है, नेकलेस का भी है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए। फ्लावर ज्वेलरी में सबसे पहले हमें फ्लावर चाहिए। यहाँ पे हम फॉर्म फ्लावर की बात कर रहे हैं, और फॉर्म फ्लावर सबसे बेस्ट होते हैं, पेपर फ्लावर भी होते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी अगर आप फ्लावर ज्वेलरी बना रहे हो तो फॉर्म फ्लावर का यूज़ करो। आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैंडमेड ज्वेलरी में आप क्या क्या देखना पसंद करते हैं आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं।